टिप्पण वैसे ही बाहर नहीं आए। टीका टिप्पण करना हमारी लोगों की जैनों की सबसे बड़ी आदत यही टीका टिप्पण करना। कोई भी पानी में से भी दूध में से भी थोड़े निकालने का काम करे वो जैन। व्याख्या दू जैनों की एक शॉर्ट व्याख्या, जैन की व्याख्या दू, दूध में से भी पूरे निकालने का काम करे वो जैन। वर्तमान के अभी के जैनों की बात कर रहा हूँ, अभी के जैनों की हालत यह है कि दूध में से भी पूरे निकालने का उन्होंने वो जो काम किया। आज तपोवन के अंदर 25-30 साल के अंदर जितने भी बच्चे बाहर निकले साधु बने वो बात साइड प्रोडक्ट है, मगर मंदिर में बच्चों के अंदर युवा पीढ़ियों के अंदर वो शासन का प्रेम जगा वो तपोवन का श्रेय। मैं तो कहता हूँ कि हम एक तपोवन में से संतोष, दो तपोवन में से संतोष हो गया, उसकी जगह पे भारत के हर सिटी के अंदर तपोवन सिस्टम होनी चाहिए। अगर हम लोग तो अंदर टीका टिप्पण के अंदर में से बाहर नहीं आए, व्यवहारिक शिक्षण पाप है वो है फलाना है वो बात करते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग व्यवहारिक शिक्षण का विरोध करने वाले एक्स वाई जेड व्यक्ति उनके लड़के तो व्यवहारिक शिक्षण नहीं देते होंगे। जिन लोगों ने व्यवहारिक शिक्षण का विरोध किया उनके बच्चे सेंट जोसेफ सेंट जेवियर्स ऐसी स्कूलों के अंदर उनके बच्चे ही पढ़ रहे। यानी कितना भी मां साहब हमारे व्यवहारिक शिक्षण तो हमको जैनों को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए विरोध के वातावरण, और फिर भी उनकी अड़कता देखो, अड़कता देखो वो टिक के रहे। और उस समय दादा गुरुदेव भद्रंकर सिमा ने कहा था, किसी ने शावक ने व्याख्यान में पूछा था साहेब चंद्रशेखर जी मार साहब तपोवन करे तो अच्छी बात है बुरी बात है, तब दादा गुरुदेव भद्रंकर सिमा ने जवाब दिया था एक नहीं ऐसे हजारों तपोवन होने चाहिए। उनका ऐसा आशय था कि भद्रंकर सिमा का हमको पीठ बल मिल जाएगा तो उनके नाम से उनका जाएगा। अपने संकी तो क्या है, जिस गुरु भगवान के पास जाना उनके पास उनका नाम के द्वारा अपनी नाम देना, हमारे शावकों की पूरी आदत है। भद्रंकर सिमा ने कहा था एक नहीं ऐसे 100 तपोवन होने चाहिए, यानी कि उन्होंने ऐसे परिस्थितियों के अंदर अपने संघ के वातावरण के बीच भी उन्होंने तपोवन की शुरुआत की, और उसके अंदर में हजारों बच्चे शासन के नागरिक। ये बड़ा श्रेय। आपके बेंगलोर में कितने तपोवन है? नहीं क्या बात करते हो, बेंगलोर समृद्ध नहीं, जरूरी नहीं लग रहा आपके बेंगलोर में तपोवन नहीं, जरूरत नहीं है या नहीं है? अरे कौन कहता है, पैसा तो देने वाला आपके पीछे दौड़ेगा, आपके पास प्लानिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिसके पास एक रुपया जेब की फूटी कोली नहीं है, अन्ना हजारे के पास क्या रुपया, तो भी लोग पैसा देने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल उस समय क्या था, मगर उस समय के आंदोलन के अंदर लोग उनको पैसा देने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसा मत समझो। आप भी क्यों नहीं कर सकते, आपके पास प्लानिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कुछ ना हो सके तो ये करने जैसा है, ये करने वालों को धन्यवाद है, ये करने से समाज को शासन को क्या फायदा हुआ है वो तो हम बोल सकते हैं ना, वो बोलते हैं बस उतना जो हम कर सकते हैं उतना कर, यानी सब कुछ हम भी कर सकते हैं, प्लानिंग बनाओ दो और इससे अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी जैन टिकेगी, ताकि आपके बच्चे कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको सत्य घटना आपके बेंगलोर की बात करता हूँ। बेंगलोर के अंदर एक साल पहले एक लड़का कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने गया, आपके यहाँ के एक बहुत अच्छे नामांकित कॉलेज के अंदर, नाम नहीं देना चाहूंगा, आप भी जानते हो कैसे नाम शुरू होता है, समझ गए होंगे। उनको पूछा गया कितना परसेंटेज है, परसेंटेज उसने बोला तेरे 3% कम है, एक काम करो कोई क्रिश्चियन बच्चे को लाकर उसकी फी भर दो तो तुझे एडमिशन दे देगा। अच्छी नामांकित यूनिवर्सिटी का ये जवाब था। और हमने गत साल लॉकडाउन के बाद हमने 400 बच्चों को क्रिश्चियन बनाया, उस व्यक्ति का जो मैनेजर था उसे खुद ने उसके सामने बोला। एक लड़का सत्य घटना बात करता हूँ, अपने टस्टी का लड़का, उनके दादा ने यहाँ से यानी के सिकंदराबाद से समय शिखर का संघ निकाला था, समय शिखर का संघ निकाला था, उनका एक पोता या पोते का लड़का होगा। आधोनी में भी संघ के अंदर टस्टी नामांकित व्यक्ति, अच्छा नाम नामांकित व्यक्ति। लॉकडाउन था तो बेंगलोर से घर आया था,
बेंगलोर से वो घर आया था, ऐसे साधु बाबू के पास नहीं जाता मगर बैठने जाता था, वो परिचय हुआ तो थोड़ा थोड़ा उपाश्रय में आने की शुरुआत हुई, उपाश्रय में आने लगा। मास्टर ने पूछा कहाँ पढ़ता है बेंगलोर में, कहाँ पे? मैं स्वामीनारायण गुरुकुलम में पढ़ता हूँ। मास्टर ने पूछा अष्टपदी में पूछा कि तुम्हें आरती आती है? नहीं। कहाँ था? हाँ, तब फटाफट स्वामीनारायण की आरती बोले लगा। नौकार भी कच्चा पक्का, यानी नौकार से लेकर कुछ नहीं आता था, ये हालत जन्म से ले। उनको पूछा वहाँ गुरुकुल में, वो स्वामीनारायण का जो गुरुकुल था वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं? तो उसने बताया कि 500 बच्चे हैं। उसमें से पूछा जैन बच्चे कितने? 50 बच्चे। 500 टोटल बच्चे थे, उसमें से 50 जैन बच्चे वहाँ स्वामीनारायण के गुरुकुल में पढ़ रहे थे। हमको मन में प्रश्न हुआ क्यों ऐसा? हमारा साहब ऐसा पढ़ाने की कोई अच्छी संस्था दूसरी यहाँ आस पास में हमको नहीं मिली। यानी कि मुझे उस वक्त फिर से याद आया था कि जो यहाँ कर्नाटक में ऐसा तपोवन जैसा कुछ होता और ये बच्चे हमारी संस्था में पढ़ते, हमने ऐसी कोई संस्था नहीं बनाई, इसलिए वो बच्चा स्वामीनारायण संप्रदाय में पढ़ने के लिए गया और सालों तक वहाँ पढ़ेगा और वो जैन कुल छोड़ के स्वामीनारायण हो जाएगा। और ये भयानक परिस्थिति हम दिख रहे हैं और उसमें से बचने के लिए हमें स्यादवाद अनेकांतवाद को ध्यान में रखकर कैसे समाज को बचा सकते हैं, कैसे जैन शासन को बचा सकते हैं, वो लक्ष्य में रखकर शासन को टिकाने के लिए उत्सर्ग अपवाद की मर्यादा को समझ कर, मैंने पहला भी शायद कहा था कि व्यवहारिक शिक्षण वो नास्तिकता को पोषने वाला है, व्यवहारिक शिक्षण नास्तिकता को पोषने वाला है, धर्म को विनाश करने वाला है, इसलिए वो पढ़ने जैसा नहीं है वैसा हम बोलते हैं। साथ साथ हम ही कहते हैं कि ऐसे गुरुकुल, ऐसे तपोवन, ऐसी स्कूलें खोल लीजिए। तो उसका आशय समझो, हमारे वहां एक और शास्त्र में विधान आता है, सर्वनाश से समुत्पन्ने अर्थम यदि पंडिता, सर्वनाश से समुत्पन्ने अर्थम यदि पंडिता, लग रहा है कि पूरा विनाश होने वाला है, पूरा नहीं बचा सकते हैं, तो जितना बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ना ये मेकोले शिक्षण आपको आपके बच्चों को बढ़ाने से हम नहीं अटका पाएंगे, मगर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे आप जहां वो पढ़ो वहां हमारा भी संस्कार किया जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बच्चों को कुछ थोड़ा कुछ हम बचा पाएंगे। इसलिए अनेकांत एंगल से समझकर ऐसी व्यवस्थाएं जगह जगह पर हर सिटी में करना वो जिन शासन की एक जबरदस्त बड़ी सेवा है भाग्यशाली। ये समझकर कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस बात को बेहतरी रखना, लोगों के दिमाग में डालना और इस विचार को प्रोत्साहन देना, उतना तो कर्तव्य हमें जरूर करना चाहिए। विचार ही नहीं, आपने विचार है फिर आप गुजर जाने का विचार कर रहे हो, तो यहाँ पे कैसे होगा? देखो हम सिर्फ गुजरात का नहीं लिखते, हम सिर्फ कर्नाटक का नहीं लिखते, हम सिर्फ तमिलनाडु का, हम पूरे भारत का लिखते, और भारत का भी नहीं हम विश्व का लिखते हैं। इसलिए हम लोग राष्ट्र धर्म से भी ऊपर है, हम लोग राज्य धर्म से भी ऊपर है। एक बात, एक जगह पर राज्य का कानून है और आगे बढ़कर केंद्र का कानून आया, तो केंद्र का कानून राज्य का कानून को बाधित करेगा या राज्य का कानून केंद्र को बाधित करेगा? केंद्र का जो कानून है वो राज्य का कानून को बाधित करता है, वैसे वैश्विक धर्म का कानून जो होता है वो राष्ट्रीय धर्म को बाधित करता है। यानी कि हम सिर्फ भारत के लोग ही सुखी हो, भारत के लोग ही सदाचारी हो, उतना ही नहीं सोचते, हम सोचते हैं विश्व की सभी जीव सृष्टि सदाचारी धर्म में बननी चाहिए। तो हमारे लिए तो इकला कर्नाटक नहीं है, गुजरात भी हमारा है, उड़ीसा भी हमारा है, आंध्र भी हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो जिस वक्त जहां लापालाप दिख रहा है उधर हमें जाना है। और अभी तो एक सारे मार्गदर्शन देने के लिए गुरुदेव तैयार है, आप तैयार हो? और सच में कह जाऊं कि अब संघों के अंदर, और मैं तो कहता हूं कांटीला जी साधन की आप बूम लगाते हो, साधन की आप बूम लगाते हो कि संघ के अंदर साधन का प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं A1 क्वालिटी की अपना जैन गुरुकुलम स्टार्ट कर दो, आपका साधन के लिए अबकी पेट जैन संघ का गुरुकुलम स्टार्ट कर दो और आपको फंड देने वाले भी मिलेंगे, आप जैसे सक्षम लोग जो नेतृत्व लेके और
जिन शासन के अनुरूप और वो लेवल का गुरुकुल बनाओगे तो आपको कंफर्टेबल गुरुकुल 100% हो सकता है। आप हर साल बेंगलोर के हर संघों को साधारण दिए से इतनी ताकत बन सकती है। यानी कि और आप लोगों तो क्या है, आपके बच्चे के लिए माँ क्या सोचती है, कौन से स्कूल में भेजने का, कितनी फी अच्छी है, माँ सबसे पहले वो देखती है। आप वो नहीं देखते हो, माँ सबसे पहले ये देखती है कि कितनी फी अच्छी है। अच्छा आपका बच्चा, आपकी फी 80,000 है, बहुत अच्छी स्कूल होगी। सबसे पहले यही देखती है। यानी कि आप लोगों के लिए साधारण का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बच्चों का संस्कार भी हो जाएगा, धर्म भी टिकेगा, यानी आगे वाली भविष्य भी टिक सकती है। मैं तो कहता हूँ आप 25-50 वन दिन के करो, क्यों नहीं। यहाँ बहुत शिष्टियां दान देने वाले बैठे, बहुत सारी अपनी जेलों की कंपनियों का सीएस आता है। हुगली में अकेला अंबर ने ये मिशन उठाया, अकेला युवान, कोई ट्रस्टी नहीं था, कोई बड़ा फील्ड व्यक्ति नहीं था, वो श्रीमंत भी नहीं था, जो अंबर अभी पीछे थोड़े दिन पहले आगे गया ना, उनके साथ 4-5 लोग आए थे, मगर उस उन्होंने जब ये स्वप्न दिखा तब एक सिंगल व्यक्ति भी उनके साथ नहीं था, कितना छोटा युवान है। युवान की तब 25-27 साल की उम्र, 27-30 साल की उम्र थी, तो अकेला अंबर ने ये मिशन उठाया और आज कितना आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने में वो सफलता भी पा रहा है। यानी कि एक व्यक्ति भी कर सकता है, 5-15-25 लोग एक-एक आपके साथ जुड़ते रहेंगे, मगर ये समझदारी और भावना और संकल्प की दृढ़ता करना जरूरी है। तो आज चंद्रशेखर विजयवाल साहब ने एक तपोवन के माध्यम, यानी कि दो तपोवन के माध्यम से जो जैनों के अंदर, जैन के नई पीढ़ी के अंदर जो संस्कार डाले, आज उसकी असर दिख रही है। वही क्रांति हम लोगों को लानी ही पड़ेगी। वो क्रांति आएगी तो आने वाली पीढ़ी हम बचा पाएंगे भारत में। कितना भी बोलो कि उपाश्रय में बच्चा जा, इम्पॉसिबल सामने भी रहता होगा ना, तो भी उपाश्रम मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बचपन से परमात्मा की अस्तुता दी, पूजा वहां करना है, साधु भगवान वहां है, हर रोज कुछ चाइनीज़ की स्टोरी सुनना है, वहां रात्रि भोजन क्या, बचपन से सब संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आने वाले भविष्य के अंदर उसको जैन मजबूती से टिक पाएगा और जैनत्व मजबूत होगा। आज चंद्रशेखर वासेश की तिथि के दिन तय करो कि कुछ ऐसा बड़ा काम हाथ में लेना है, सोचना है, पहले सोचने की शुरुआत करो। सबसे पहले वैचारिक क्रांति बात के अंदर स्टेप रखना है। सबसे पहले वैचारिक क्रांति लाओ कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी शक्ति है, हमारे पास भी बहुत सारे ग्रुप है, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग बनाओ। गुरुदेव को ही सुनता है, बस यहाँ समापन करता हूँ। चंद्रशेखर वासे ने बहुत सारे शासन के काम किए, अंतरिक्ष का प्रश्न आया तब भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, कभी नहीं डरे, निर्भय थे, कभी वो नहीं डरे, ऐसे बहुत सारी जगह पर 100 से ज्यादा साधु उन्होंने तैयार किए जैन संघ के अंदर, और उसके द्वारा जैन शासन के अंदर उनके प्रवचनों के माध्यम से जैन शासन के अंदर एक हरियाली वापिस छाई। तो यानी बस आज चंद्रशेखर विजयवाल साहब की तिथि के निमित्त आज जो तपोवन का जो बीजारोपण हुआ है, विचारोपण, वो सही अर्थ के अंदर बस फलीभूत हुए, वैसी भावना के साथ जैन शासन पाया है, उसके द्वारा जैन शासन का बस मुझे जिन शासन मिला है, मेरे रंग में जिन शासन का लोही बह रहा है, तो मेरी फर्ज है, मुझे कुछ करना है, ये भावना के द्वारा आगे बढ़ना।